ओहे गाइस व्हाट्स अप, आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। ओके गाइस, तुम्हें पिछले एपिसोड में याद होगा कि एक मैं ये पंछी लेके आ गया था और मैं यहाँ पे थोड़े बहुत वुल्फ ले आया था और एक और पंछी वहां पे बैठी हुई, आराम से बैठे रहना भाई। हाँ, तो यहाँ पे मैं पोलर बियर लेके आ गया था। इससे मेरे ख्याल से पोलर बियर ही बोलते हैं ना, मैं तो इसे पोलर बियर ही बोलूंगा या फिर पांडा। नहीं, पांडा दूसरा होता है माइनक्राफ्ट में, और पोलर बियर पूरे व्हाइट होते हैं और पांडा मेरे ख्याल से ब्लैक या फिर व्हाइट होते हैं, वो भी व्हाइट ही होते हैं थोड़े बहुत कलर के, पता नहीं। पर ये बैम्बू वैम्बू कुछ नहीं खा रहा, इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा ये भी खाना वाना क्या खाता है, क्योंकि मेरे पास बैम्बू अनगिनत पड़े हैं भाई। जब मैं गया था इन बर्ड्स को लेने के लिए तो वहां पे मैं बहुत ही ज्यादा बैम्बू लेके आ गया था, क्योंकि बैम्बू से स्क्रैपलिंग्स बनती है मेरे ख्याल। हाँ, मेरे ख्याल से स्क्रैपलिंग्स से याद आया, तो मैं पिछले वाले एपिसोड में याद होगा कि मैंने ये क्रीपर फार्म बना दिया था, मतलब जाइंट क्रीपर फार्म बना दिया था। और तुम्हें याद होएगा कि ये आयरन फार्म भी चल नहीं रहा था, तो मैंने इसको चलवाया। और वेट, तेरी भैंस की, ये आयरन गोला वहां पे कैसे अटक गया भाई? भाई मैंने पूरा आयरन फार्म बना दिया था, फिर ये चल नहीं रहा था, तो मैंने देखा मेरे को आधा घंटा लग गया इसको ठीक करते करते। और तभी भी इधर आ, तेरी भैंस की, तू चेस में क्यों नहीं कर रहा, कितना आयरन हो गए? अरे भाई बहुत ज्यादा आयरन हो गया भाई, वेट इधर आना भाई, अटक गया यार ये भी मेरे को। अच्छा, मैंने वो ब्लॉक्स लगा दिए थे ना यार, गलती से मैंने अपनी भाई, मैं कलाकांडी भाई मैं करता रहता हूँ। अरे खड़ा किधर हुआ है यार, ये ब्लॉक्स के ऊपर खड़ा हुआ, आज के बाद मैं ब्लॉक्स नहीं लगाने वाला है भाई, ये मेरे को बहुत उड़ा के मारेगा अगर मैंने इसे एक बार ही मार दिया ना। पर भाई अगर मैं ऊपर चले आऊंगा तब ये मेरे को नहीं मार पाएगा। ओके, अभी फिलहाल मैंने इसे मार दिया, और इसे मारना जरूरी था क्योंकि अगर ये आयरन गोलम पास में होता तो और आयरन गोलम स्पॉन नहीं होते। ऑलराइट, तो मैंने आयरन गोलम को मार दिया, मैं प्यारे से ये ब्लॉक्स तोड़ देता हूँ। और प्लीज भाई अब मत स्पॉन हुई हो भाई यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ। तेरी भैंस की, मैंने इतनी मुश्किल से ठीक करा भाई, और मेरी शवल भी पूरी की पूरी मेरी खत्म होने वाली है। अभी तुम लोग कुछ और सोच रहे होगे कि ये सब तूने कैसे करा भाई, अभी मैं तुम्हें सब, तेरी भैंस की मर मत जाइयो भाई। हाँ तू आ, तू मैं देखना चाहता हूँ तू अब काम कर रहा है कि नहीं। आयरन फार्म पूरा काम कर रहा है, अभी एक आयरन गोलम आया था और मर के चला गया, और आयरन दे के भी चला गया होगा। तो मेरे को पता है तुम लोग सोच रहे होगे, इतने बड़े बड़े माउंटेन थे यहाँ पे, तूने इसको बिल्कुल कैसे फ्लैट कर दिया? मेरे को पता है एक महीने तक कोई वीडियो नहीं आई, और मैं इसी काम पे लगा हुआ था क्योंकि मेरे को बनाना है घर। ये फार्म वार्म भाई बहुत बना लिया, अब बनाना है घर। लेकिन देखो भाई, मैंने मतलब ना हर एक लैंड मतलब मैंने खुला कर दिया जिसमें मैं अपना घर बना हुआ। यहाँ पे एक प्यारा दुलार सा सरफेस लगा हुआ था ऊपर की तरफ, वो भी मैंने हटा दिया, और यहाँ पे स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं। अभी मतलब ना 5% काम हुआ है, क्योंकि गाइज मैं ना बहुत बड़ा नूब हूँ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, मैंने खाली ये सोचा कि विलेजर्स के अगर हम पास बनाएंगे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा फायदा होगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा यहाँ पे इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विलेज में क्या है भाई, विलेजर तो 2 मिनट में मैं ले आऊं, बस माइनकार्ट लगाई, रेल लगाई, बस वहां पे बना दिया, बस 2 मिनट। लेकिन अब मैं बना चुका हूँ क्रीपर फार्म वगैरह वगैरह, और अब मैं कहीं ना और मैं शिफ्ट नहीं करना चाहता, बस यही अब बना रहेगा, तो यहीं पर अब हम घर बनाएंगे। मेरे को कम से कम 1 हफ्ता लग गया ये सब करने में। वैसे मैं एक बात और बता दूं, मेरे दो और दोस्तों ने ये सब करा है। भाई झूठ क्यों बोलना भाई, तुम लोग अपने हो यार भाई, अगर दो दोस्त नहीं करते ना यार तो मैं पता, मैं बोर हो गया था बिल्कुल। मतलब दो दोस्त थे भी, वो भी बोर हो गए थे, लेकिन दोस्त भाई उसी को तो कहते हैं यार। मतलब उन्होंने हेल्प करवा दी ये सब करने में, और अभी तुम लोग को मैं टूर करवाता हूँ। बहुत सारा सरफेस फ्लैट हो गया, अब वो भी कह रहे थे कि हम डर्ट लगाने में मदद करवा देते हैं, लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, तुमने इतनी मदद करवा दी ठीक है, और अब मैं यहाँ पे डर्ट अब मैं अकेले लगा सकता हूँ। और अभी मेरे पास अभी रॉकेट भी नहीं है, अभी मैं ना यहाँ पे पी बना रहा था, मतलब PCF, पर मेरे से अभी ना बन नहीं पाया। देख लो यहाँ पे मैं प्यारा सा लेके गया, अभी मैं इलाइटर से भी ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा ना, तब तुम्हें दिखेगा। यहाँ पे मैं पी बना रहा था, फिर मैंने सोचा भाई क्या कर रहा हूँ मैं अभी। वैसे टाइम वेस्ट वाली बात नहीं थी, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे डर्ट ही लगानी है। मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे डर्ट लगाई है, लेकिन अभी मेरे को पूरी तरफ डर्ट लगानी है, और यहाँ पे बनेगा अपना घर, और वहां पे बनेंगे अपने सारे के सारे फार्म। पहले मैं क्या सोच रहा था, यहाँ पे सारे के सारे फार्म बनेंगे, यहाँ पे सारे के सारे फूड फार्म बनेंगे, और यहाँ पे आगे तक बनेगा अपना घर, लेकिन बीच में घर अच्छा नहीं लगता, तो मैंने का सोचा यहाँ पे सारे के सारे फार्म, आयरन फार्म, बहुत सारे फार्म, स्टोन फार्म, बहुत कुछ बनेगा, और यहाँ पे बनेगा अपना प्यारा सा महल, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब अगले वाले एपिसोड में ये सारी तुम्हें डर्ट भी मिल जाएगी, इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे अब 2 हफ्ते में आए, 3 हफ्ते में आए, लेकिन अगला तुम्हारा भाई घर बना सकता है। वैसे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने ये जगह क्यों मैंने करी, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा।
क्योंकि हमारे को ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हम तीन बंदे थे और तीनों के पास शवल थी, सब कुछ था। बीकन हम लोग यहाँ पे ले आए थे जिससे हमने माइन वाला वो कर दिया, इसलिए हम ऑल परफेक्ट था, हमने एक हफ्ते में पूरा का पूरा कर दिया। पर अभी भी और है, तुम लोग वहां पे देख पा रहे हो। तेरी भैंस की भाई, क्रीपर भाई अभी अभी स्पॉन हुआ, डर गया भाई। हाँ तो भाई मैं कह रहा था अभी भी तुम देख लो कितना सारा माउंटेन बचा है, पर अब मेरे दिमाग में आया कि मैं TNT लगा के फोड़ा करूंगा। अब TNT तुम लोग को पता है, TNT बहुत सारा ब्लास्ट कर देगा मेरे को, मतलब नीचे का भी पूरा पूरा ब्लास्ट कर देगा। ये हमने सारा हमने हाथों से करा है, पता है सारा का सारा। ओके तो आयरन फार्म भी सही काम कर रहा है, क्रीपर फार्म भी सही काम कर रहा है, वहां पे मैंने AFK रूम भी बना रखा है। और भाई इसको क्या तकलीफ हो गई है, यहाँ से पानी क्यों निकल रहा है? यहाँ पे मेरे को सैंड लगाना पड़ेगा वेट। और यहाँ पे कितना शुगर केन दे दिया इसने, वैसे बहुत सारा दे दिया होगा, हाँ ज्यादा दे दिया, कोई नहीं। हाँ तो अभी फिलहाल मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मैं तोड़ने वाला हूँ, पता है ये मेरे को तोड़ते हुए दुख हो रहा है क्योंकि मैंने सबसे पहली बार बनाया था इस वर्ल्ड में, और जो पहली बनाई हुई जो चीज होती है ना उसको अपने फिर हाथों से ही तोड़ो तो दुख लगता है, लेकिन मैं इसको दोबारा से बना दूंगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि तू इसको तोड़ क्यों रहा है, तो ये देख रहे हो ये यहाँ पे एक ब्लॉक ना ऊपर है तो ये एक ब्लॉक नीचे है, मैंने इसको गलती कर दी थी, मतलब मैंने गलती नहीं करी, मैंने बिना देखे मैंने क्रीपर फार्म भी बना दिया, शुगर गेन फार्म भी बना दिया। अब आयरन फार्म तो इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, मैं कुछ भी तोड़ सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ इधर, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत की बात आएगी। ओके अभी फिलहाल मैं सो के उठ चुका हूँ, और सबसे पहले ना भाई ये बढ़ते हैं यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता यार। ओके अभी फिलहाल हम यहाँ के हम डर्ट हटा देते हैं, मतलब अभी थोड़ा बहुत अभी काम। और भाई क्या खोखला है भाई यहाँ पे अंदर की तरफ, तो मतलब गाइस तुम मेरे तुम शवल की हेल्थ देख रहे हो, मतलब बिल्कुल खत्म होने वाली है शवल, बस थोड़ी बहुत बस रह गई है। गाइस तुम लोग सोच रहे होगे आज ही क्यों नहीं घर बना रहा, क्योंकि यहाँ पे तेरे पास फ्लैट सरफेस भी है, सब कुछ है, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आज नहीं मतलब ये हमारा काम तो परसों हुआ था, मतलब अभी काम भी नहीं हुआ, मतलब 3% काम हुआ था। मतलब लोग ना भाई देख के लेते हैं उन्हें कौन से लैंड पे बनाना है, मैंने ये पहाड़ वाला लैंड चूज करा। और यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे मतलब तुम देखना, यहाँ पे देखो वहां पे भी देखो पूरा का पूरा पहाड़ है। और तुम्हें रेंडर, वेट मैं चंक्स बढ़ाता हूँ, हाँ तो वहां पर देखो भाई वहां पे भी पूरा का पूरा पहाड़ है, और वो भी हमने थोड़ा बहुत तोड़ा है लेकिन अभी भी वो बहुत ही ज्यादा रह गया है। अभी गाइस तुम्हें मैं ना एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमने लैंड जो थोड़ा बहुत साफ करा है तो यहाँ पे बहुत सारी डर्ट पड़ी है, यहाँ पे भी पूरा का पूरा कॉबल स्टोन पड़ा है, क्योंकि आधे से ज्यादा ना हमने कॉबल स्टोन ही डिक करें, क्योंकि वो जो पहाड़ देख रहे हो बहुत सारे हमने कॉबल स्टोन डिक करे हैं भाई, मतलब डर्ट से ज्यादा हमने कॉबल स्टोन डिक करे हैं, तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो। और ये देखो भाई यहाँ पर है हमारी प्यारी सीके, इसको ही मेरे को बंद करना पड़ेगा, बहुत भाई अभी बहुत काम है सीरियसली। लेकिन तुम्हें पिछले वाले मतलब अगले वाले एपिसोड तक ये सब कुछ तुम्हें फ्लैट दिखाऊ मिलेगा। ओके गाइस अभी फिलहाल मैं यहाँ पे डर्ट करे जा रहा हूँ, मैंने काफी ज्यादा डर्ट भर दिया, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था और यहाँ तक मैंने भर दिया है। अब इसको भी अब तोड़ने की बारी आ गई है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं विलेजर्स को किधर रखूंगा। कोई नहीं गाइस ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम डर्ट भर लेते हैं हर जगह और फिर सोच लेंगे विलेजर्स वगैरह को कहाँ रखना है। ऑल राइट गाइस अभी ना फिलहाल डर्ट का पूरा काम होने वाला है, और मेरे को बस वहां तक ही डर्ट चाहिए, मतलब मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे स्ट्रेट डर्ट कर दिया जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। और अभी ये बेकार सा बेड आ गया है, बेड पे मैं जरा मेरे स्पॉन पॉइंट सेट कर दूं वरना मैं कहीं दूर रिस्पॉन हो जाऊंगा। ओके तो अभी फिलहाल मैं ये भी तोड़ देता हूँ, मतलब पूरी अब ना कायदे से चीज लाएंगे। और अभी मैं इसको नहीं तोड़ रहा क्योंकि अभी मैं जैसे ही तोड़ूंगा तो विलेजर्स ना पूरे मतलब घूमने लग जाएंगे, और जब रात होगी तो जोम्बी इनको जोम्बी विलेजर बना देंगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं दोबारा दोबारा से जाते रहूं विलेज में और वहां से मैं विलेजर उठा के लेके आऊं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जब इनका मैं घर बना दूंगा तभी मैं इन्हें खोलूंगा और वो अपने घर में रहेंगे प्यार से, और ये तब मैं फ्लैट सरफेस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी तो। ओके ऐसा करते हैं यहाँ पे फर्नेस हटा देते हैं, और भाई फर्नेस में भाई मैंने बहुत सारा मैंने कुछ पकने रखा हुआ था क्या जो मेरे को मिले जा रहा है? अरे भाई मैंने स्टोन पे स्टोन ही रखे हुए हैं भाई इस फर्नेस में। और अभी यहाँ पे पोर्टल है इसलिए मैं यहाँ पे डर्ट नहीं लगा रहा, कोई नहीं इतना तो भाई चलता है। हाँ तो गाइस आज का मेरा प्लान है, तुम लोग को पता है कि ब्लेज एक कोल की तरह काम करता है, मतलब कोल की तरह नहीं उससे भी बढ़ के काम करता है, मतलब जितने एक कोल की कैपेसिटी होती है ना उतने मतलब आधे ब्लेज पाउडर की कैपेसिटी होती है, मतलब आधे भी नहीं, मतलब तुम लोग हाफ ब्लेज की मान लो। और ब्लेज से गाइस मैं फूड भी बना सकता हूँ, बहुत कुछ बना सकता हूँ। तो आज का मेरा प्लान है हम लोग बनाएं एक ब्लेज फार्म। अब मेरे को पता है थोड़ा बहुत ये लग रहा है मतलब महंगी बातचीत लग रही है, लेकिन इतनी भी महंगी बातचीत नहीं है, मतलब महंगी बातचीत से मेरा मतलब है कि हमें इतने ज्यादा सामान नहीं चाहिए, बस हमें डर्ट चाहिए,
थोड़े बहुत स्टोन्स चाहिए, 6-7 स्लैब चाहिए और वाइंस चाहिए। वाइंस में लेके आया था जब मैं अपने बैम्बू वाले में गया था, यहाँ पर। हाँ भाई यहीं पे ही थी, 19 वाइंस है, लेकिन मेरे को खाली 4-5 चाहिए वाइंस। शुक्र है भाई मैं वाइंस लेके आ गया था, वाइंस मेरे को ऐसे नहीं मिल पा रही थी। फिर मैंने शेयर्स बनाए, फिर शेयर से जाके मिली, लेकिन मेरे को और ज्यादा लेके आने चाहिए थे, क्योंकि जंगल बायोम यहाँ से कम 600-700 ब्लॉक दूर है। अगर मैं लाइटर से भी जाता हूँ तो पूरी लाइटर की हेल्थ खत्म हो जाएगी। अभी इसकी हेल्थ कम है, लेकिन इसमें मेंडिंग तो लगी है, तो मैं मॉब से इसको रिपेयर करवा सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक फार्म है जो है एंडरमैन एक्सपी फार्म, मतलब जाइंट एक्सपी फार्म, और उससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास एक ट्राइडेंट भी है, तुम लोग को अगर नहीं पता तो यहाँ पे आराम से पड़ा रहता है। इसको मैं ज्यादा मैं यूज नहीं करता, क्योंकि इसमें लॉयल्टी अभी मैंने लगा नहीं रखी। इसकी अभी मैं सारी सारी एंचेंटमेंट हटाऊंगा, मतलब सारी सारी नहीं, एक ही लगी हुई है, तो एक एंचेंटमेंट अभी हटाएंगे, उसके बाद फिर मैं लॉयल्टी लगाऊंगा, फिर इसको यूज करेंगे। अभी ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना मैं सैंड ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को सैंड चाहिए बहुत सारी, और मेरे पास ब्लेज रॉड है ना। हाँ मेरे पास ब्लेज रॉड तो बहुत सारी पड़ी होगी। अबे भाई 3 ही पड़ी है भाई। हाँ तो यहाँ पे हम लोग पहले हम ग्लास बना लेते हैं इनका। ब्लेज पाउडर से भी बन जाएगा क्या? नहीं, ब्लेज पाउडर से मेरे ख्याल से, हाँ ब्लेज पाउडर से नहीं बन सकता भाई साहब, मतलब बहुत काम किया है ब्लेज रॉड, इसलिए मैं आज मैं ब्लेज फार्म बनाने वाला हूँ। कितना ज्यादा अच्छा लगेगा ब्लेज फार्म, ओ भाई। ओके अभी फिलहाल मैं और सैंड पकने रख देता हूँ, और यहाँ पर कितनी है, 31, 10, और यहाँ पे थोड़ी बहुत दे दे भाई। यहाँ पे मैं और सैंड पकाने रख देता हूँ, लेट्स गो। और अभी फिलहाल तुम्हें मैं ना एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास एंडरपल है प्लीज। अरे एंडरपल मेरे पास बहुत सारी होगी भाई, मेरे पास एंडरमैन का फार्म है। हाँ मेरे पास बहुत ब्लेज रॉड भी है भाई, मेरे पे बहुत सारी, और ऑब्सीडियन ले लूँ थोड़े, लेट्स गो। और अभी तुम लोग को मैंने बताया था कि ये एंडर चेस्ट है, लेकिन मैंने इसका मतलब नहीं बताया था तुम्हें डिटेल में। ओके तो मेरे को अपनी सिल्क टच वाली पिकेक्स मिल गई, तो अब मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ। पहले मैं एक और आई ऑफ एंडर, मतलब एंडर चेस बना लूं। हाँ तो अभी फिलहाल मैं एक और एंडर चेस बना रहा हूं, और यहाँ पे मैं एक आई ऑफ एंडर रख देता हूँ। हाँ तो गाइज ये है हमारी एक एंडर चेस्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पे मैं जो भी सामान रखूंगा वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, लेकिन मैं इसे खाली सिल टच से तोड़ सकता हूँ। अगर मैंने इसे किसी और पिकेक्स से तोड़ा तो ये कभी भी नहीं मिलेगी मेरे को। मेरे को पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे कि इसका मतलब क्या है दो दो एंडर चेस का, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इन दो दो एंडर चेस का मतलब क्या है। अगर मेरे को लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं ना, अब तो मैं सीधा, मेरे पास एक एंडर चेस्ट होगी तो सीधा मैं उसमें अपना सामान रख दूंगा, और इतनी स्पेस मिलने काफी है। तो अगर मैं मर गया इतने सारा सामान लेके, लेकिन मैंने बहुत सारा सामान मैंने इधर रख दिया, जैसे कि डर्ट रख दी, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं मरा फिर मैं यहाँ पे स्पॉन हुआ, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो सामान था जो मैंने रखा था वो यहाँ पर आ जाएगा, और एक काफी ज्यादा अच्छी बात है। ओके बहुत बातें हो गई भाई, अभी अभी मैं सारी की सारी डर्ट अभी मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। और भाई साहब ब्लेज रोड तो भाई किसी काम की नहीं भाई, खाली 12 ही इसने ग्लास पकाए हैं, इससे अच्छा तो भाई कोल है भाई, उसने कम से कम 29 तो पका दिए। ब्लेज रॉड का फार्म मेरे को बनाना चाहिए कि नहीं, लेकिन ब्लेज रॉड बहुत सारे काम में आएगी हमारे। एक्सपी तो मेरे पास अब अनगिनत है, क्योंकि मेरे पास एंडरमैन फार्म है, वो मैं एक्सपी भी देगा, लेकिन बस मेरे को वहां पे ब्लेज चाहिए, तो मैं खाली उसे ब्लेज के लिए ही बना रहा हूँ। तो कोई बात नहीं बना लेते हैं, और इसमें भी खत्म हो गया भाई, मेरे पास इतने कोल वगैरह नहीं है भाई, ब्लेज रॉड पूरी पूरी डाल दो भाई, देखा जाएगा। ऑलराइट गाइस अभी ना फिलहाल मैंने शल्कर बॉक्स में सारा का सारा सामान रख दिया है जो मेरे को एक ब्लेज फार्म बनाने के लिए चाहिए होगा, और यहाँ पे मेरे ख्याल से इतना ग्लास काफी है, लेकिन थोड़े बहुत और ग्लास ले लेते हैं। मेरा क्या जाता है भाई, मैं और सैंड लेके आ जाऊंगा, मेरे पास अब खाली 12 सैंड बचे हैं, और वैसे भी ये ज्यादा ग्लासेस हैं, तो अभी और भी अगर पक जाएंगे तो मान ले बढ़िया रहेगा, मैं बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे 2 बकेट ले लिए हैं, क्योंकि अब मैं नीचे नहीं जा रहा बार बार, मेरे को अभी एक और लावा की बकेट चाहिए होगी। मेरे पास अभी 3 ही लावा की बकेट थी, तो मैं नेदर में से ही लावा की बकेट ले लूंगा, इतनी कोई ज्यादा कोई सीरियस वाली बात नहीं है इसमें। ओके गाइस हमारे 22 ग्लास और पक गए थे, और मैंने यहाँ पे रख दिया, हमारे पास 64 64 64 के स्टैक हो गए हैं। अब मेरे पास खाली 12 सैंड बची है, कोई नहीं अब चलते हैं सीधा नेदर में, और वहां पे हम लोग बनाते हैं अपना प्यारा दुलारा सा ब्लेस फार्म। पर वेट 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 वेट, सबसे पहले मेरे को गन पाउडर चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पास एक भी गन पाउडर नहीं है। मैं लाइटर से जाने वाला हूँ विलेजर्स के पास, क्योंकि जहां पे विलेज है ना उसी के पास में मैंने एक पोर्टल बना रखा है, और वहीं पे फोर्ट्रेस है। ओके अभी फिलहाल मैंने शुगर केन फार्म से मैंने पेपर ले लिया है, क्योंकि शुगर केन से बनता है पेपर, और पेपर और रॉकेट से ही बनता है रॉकेट। मैं क्या बोले जा रहा हूँ भाई, हाँ मतलब पेपर और गन पाउडर से बनता है रॉकेट। लेट्स गो यहाँ पे मैं रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, हमारा रॉकेट तैयार, लेट्स गो भाई, बहुत सारे बना लिए भाई।
ओके गाइस, अब ना फिलहाल मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ हमने कितना ज्यादा काम करा है। ये देखो भाई, मतलब यहाँ पे हमने कोई काम नहीं करा, ये पहले से ही वैसा था। यहाँ पे अभी काम करना भी थोड़ा बहुत बाकी है। ये देखो, हमने बिल्कुल हमने प्लेन सरफेस बना दिया। बस यहाँ पे मेरे को डर्ट डालनी है, फिर ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल कोई नहीं, चलते हैं विलेज के पास, वहां पे फिर हम ब्लेस फार्म बनाते हैं भाई। ऑल राइट गाइज, मैं पूछ चुका हूँ विलेज में और वो रहा हमारा पोर्टल। पर ये बारिश हो गई यार, ये गलत बात है भाई, बारिश नहीं होनी चाहिए थी यार। लेकिन कोई नहीं, नेदर में थोड़ी ना आएगी बारिश। ओके गाइस, मेरे को पता है अभी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी मेरे को कोल की जरूरत थी। और वेट, ये क्रीपर आ गया। अरे भाई, मैंने इलाइट्रा पहन रखा है, मेरी बहुत हेल्थ चली जाएगी भाई। ओके गाइस, अभी फिलहाल तो मैं बताता हूँ मेरे को कोल क्यों चाहिए था। सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं वुड कलेक्ट करके भी आ चुका हूँ। अब जल्दी चलते हैं अपने विलेज वाले रूम में। और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल पड़ी है, जिससे मेरे को भी ना टॉर्च बनानी है, क्योंकि ब्लेस को मेरे को स्पॉन होने से रोकना पड़ेगा। अब मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा कि क्यों रोकना पड़ेगा। सबसे पहले हम टॉर्च बना लेते हैं, ऐसे जितनी बनती है उतनी बना लेते हैं। और भाई बहुत ज्यादा ही बन गई, कोई नहीं लेके चलते हैं। ओके गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ नेदर में। और यहाँ पे तेरी भैंस की विलेज का करा स्मार्ट 5 दे रहा है, पावर 3 दे रहा है। अबे अंदर जा, अनब्रेकिंग 1 तो ऐसे नहीं चाहिए। ए ये क्या दे रहा है, बुक ऑफ पता नहीं क्या क्या देता रहता है भाई। यहाँ पे नेम, अबे नेम टैग वाला बंदा है भाई, अंदर जा, मेरे को कभी नेम टैग नहीं मिलेगा। अबे जा अंदर। छोड़ो गाइस, अभी फिलहाल में से यहाँ पे पड़े रहने देते। और मेरे पास इलाइट्रा है, तभी मैं ब्लॉक लगा के जाऊंगा भाई। ऐसे ऐसा कौन बंदा होता है जिसके पास लाइटर होता है और तभी वो ब्लॉक लगा के जाता है। हम आराम से हम ग्लाइड करते हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओह फाइनली मेरे को यहाँ पे ब्लेस स्पॉनर मिल गया। और वेट, यहाँ पे ब्लेस बन रही है भाई, तब उससे पहले मेरे को यहाँ पे टॉर्चेस लगा देनी है। यहाँ पे हर तरफ टॉर्चेस लगा दूंगा भाई, हर तरफ। आ जाओ ब्लेस, तुम आ ही नहीं पाओगे यहाँ पे। ओके, मेरे ख्याल से इतनी टॉर्च काफी है। अगर अभी भी स्पॉन हुई तो मेरे को फिर अपनी गेम पीसफुल पे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे फार्म नहीं बना सकता। और अब मेरे को यहाँ पे 7 ब्लॉक्स नीचे मेरे को डिक करना है। तो 1, बस भाई मैं मर ना जाऊं, 2 टाइम अपने हाथ में लेते हैं भाई, तो पता लगा मर मर आ जाए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, तुम्हारी भैंस की, मेरे को लग ही रहा था। हाँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो यहां पर 7 आ रहा है ना, तो इसको मैं यहाँ पे पूरा फिल आउट कर देता हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब मेरे को ब्लेस स्पॉनर के पहले तो नीचे जाना है, और फिर मेरे को हर एंगल से मतलब 6-6 ग्लास ब्लॉक लगा देने हैं। पर वेट, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। यहाँ पे उठाए मैंने ग्लास ब्लॉक, और अब जैसे कि ये हो गया हमारा 1 ब्लॉक। अब ये हो गया, वेट मेरे को लगाना पड़ेगा भाई दूसरा ब्लॉक। हाँ, तो एक हो गया हमारा 1 ब्लॉक, दूसरा हमारा 3 ब्लॉक, 2 ब्लॉक हो गया। हाँ तो गाइस, अब मैंने ब्लॉक्स तोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे मैं ब्लेस स्पॉनर के बिल्कुल नीचे हूँ, तो अब से हम काउंट करते हैं। मेरे को सीधे में भी 6 ब्लॉक का, लेफ्ट में भी सीधे ब्लॉक का, और राइट का भी, और पीछे का भी 6-6 ब्लॉक का मेरे को ग्लास वाइज बनाना है। ओके, अब गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ये 6 हो गया। अब मेरे को दूसरी साइड में मेरे को 6 ब्लॉक का बनाना है। ओके, तो मैंने यहाँ का भी मैंने 6 ब्लॉक तक मैंने यहाँ पे ग्लास लगवा दिया। अब सीधे का मेरे को पहले ग्लास लगाना है। अरे भाई, यहाँ पे तो खोखली है भाई अंदर से। 4, 5, 6, लेट्स गो। अब मेरे को बस राइट में बनाना है। ओके गाइस, फाइनली मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे 6x6 ब्लॉक मैंने लगवा दिए। फर्स्ट स्टेप अपना कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप जो मेरे को करना है, मेरे को 13x13 मेरे को यहाँ पे खोदना है। तो जल्दी से फिर वो भी कर लेते हैं, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ऑलराइट गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने राइट साइड वाला 13x13 पूरा का पूरा कर चुका हूँ। अब बस 2 साइड रह गई है, एक यहाँ की रह गई है और एक यहाँ की रह गई है। इसे भी जल्दी से कर देते हैं। पर अभी मेरे को ऊपर का भी मेरे को भी पूरा का पूरा डिग डाउन करना है, और जहां तक वो स्पॉनर है ना, मेरे को वहां तक पूरा का पूरा मेरे को खुला मतलब एक ना कमरा बना देना है। ऑलराइट गाइस, अभी ना फिलहाल मेरा 13x13 का पूरा होने वाला है, बस थोड़ा बहुत ही बस रह गया है। इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। और मेरे ख्याल से ये 13x13 हो गया, एक बार जरा मैं ना चेक कर लेता हूँ दोबारा से। ऑलराइट गाइस, अभी ना फिलहाल मैं पूरा का पूरा चेक कर चुका हूँ, और ये 13x13 है, मतलब यहाँ तक खाली, यहाँ तक ये पूरा 13x13 है। अब मेरे को बस यहाँ से ना, मेरे को बस ऊपर बस डिग डाउन करते रहना है, वहां तक यहाँ पे जो ब्लेस स्पॉनर है ना, वहां तक एक कमरा बना देना मेरे को पूरा। ऑलराइट गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत खुला रूम कर दिया है। पर वेट, तो मैं जरा मैं ना ढक के आऊं, क्योंकि ब्लेज मेरे ख्याल से यहाँ पे घुस जाएगी और वो मैं नहीं चाहता, इसलिए इसको मैं पूरा जरा मैं फिल कर देता हूँ।
लेट्स गो। अरे मैं ये बात बस मैं यही फील कर देता भाई, हो जाता। मैंने इतना ज्यादा मैंने घुमा फिरा के करा ना, फिर अभी मेरे को भी और तोड़ना पड़ेगा इसको, अभी ये कम है। तो अभी हम ना ब्लेज के लिए अपना एरिया बना देते हैं जहां पे ब्लेज मरेगी। तो यहाँ पे बीच वाले ब्लॉक पे मेरे को रखना है। अब यहाँ पे वन मेरे को ना 2x2 का मेरे को एक ना केज बनाना है, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ पे 4। ओके तो ये बन गया हमारा यहाँ पे 2x2 का, ये तो 3x3 का बन गया भाई गलती से, वेट। ओके एक बार जरा हम फिर से बनाते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। लेट्स गो, फाइनली हमने बना दिया यहाँ पे 2x2 का। ये देखो यहाँ पे दो ब्लॉक है, यहाँ पे मतलब साइड साइड के दो ब्लॉक होने चाहिए और ये बीच में है ना। वेट मेरे को देखना पड़ेगा। ओके गाइस ये बीच में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हम जल्दी से तोड़ देते हैं। अरे वेट, ये मैंने यही तोड़ दिया भाई। ओके अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए मेरे को अपना शल्कर बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा और इसमें से मैं सारे के सारे जो है फालतू की जो चीजें है ना इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और अब मैं यहाँ के सारे ग्लासेस ले लेता हूँ। अब मेरे को जहां पे जो बीच वाला ग्लास है ना यहाँ पे मेरे को 3 ब्लॉक्स मेरे को आगे मतलब मेरे को पीछे लेके जाना है। तो 1 2 3 अब हम यहां पर भी कर देते हैं 1 2 3। ओके तो हर जगह मैंने 3x3 के ब्लॉक्स लगवा दिए हैं। पर वेट, हाँ ये नहीं भरा हुआ था। हाँ तो अब मेरे को इसको ना पूरा का पूरा फिल कर देना है, जैसे कि ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ओके गाइस फाइनली हमारा ये फिल पूरा होने वाला है और लेट्स गो, हो गया। अब यहाँ पे मेरे को लगा यहाँ पे भी कुछ छूटा हुआ है तो मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अब ऐसे हटाते नहीं, लगे रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हमारा एक सरफेस बन गया जहाँ पे ब्लेज आएगी और यहाँ पे मरेगी, पर अभी नहीं मरेगी। अभी मेरे को यहाँ पे लावा वावा मेरे को जरा लेना पड़ेगा, पर लावा अभी तक मेरे को नहीं मिला, मेरे को कहीं जाना पड़ेगा लावा लेने। पर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले मैं ब्लॉक ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे ना एक ना बॉर्डर लाइन बना देता हूँ, जैसे कि अरे भाई हाँ ये भी वैसे ठीक है। यहाँ पे मैं बॉर्डर लाइन बना देता हूँ जल्दी से। गाइस जो भी कहो, बॉर्डर लाइन बनाने का अलग ही मजा है। लेट्स गो, अब यहाँ पे ना मेरे को ये खोदना पड़ेगा भाई। और अब यहाँ पे मेरे को 10 ब्लॉक मेरे को हाई पे जाना है, मतलब कोने कोने से, जैसे कि वहां पे वो कोना है, यहाँ पे वो कोना है, मतलब साइड साइड से मेरे को जाते रहना है 10 ब्लॉक्स। पर मेरे को अरे लावा है यहाँ पे, वेट भाई सब शुक्र है भाई, भाई देख रहे हो मतलब नेदर कितना डेंजरस है। और अभी मेरे को लावा को अभी मेरे को बंद करना पड़ेगा। अरे गाइस लावा आया तो मैं अपनी बकेट फिल करवा लेता हूँ ना तब तक। लावा को तो अभी मैं बंद अभी मैं कर ही दूंगा। बकेट दो भाई, बकेट दो जल्दी। लेट्स गो, आ भाई यार लावा, आजा 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 यार, वो चला गया होगा यार। शिट मैंने गलती कर दी भाई, मेरे को ले लेना चाहिए था लावा। कोई नहीं, अब कहीं और जाके ले लेंगे। ऑलराइट गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने थोड़ा सा और ज्यादा ऊंचा कर दिया है ये ब्लेज फार्म। और अब हम सीधा से, ये कितना था, 8 था ना ये। अब मैं सीधी लाइन बनाता हूँ, 9 10 बस। ओके गाइस एक मिस्टेक अभी मैं कर देता, ये 9 ब्लॉक थे, अब जाके 10 हुए जब मैंने लगाए हैं। अब सीधा से मेरे को अभी सब में करने हैं, एक में तो मैं कर चुका हूँ और दूसरे में हो गया। अब वहां पे एक रह गया वहां पे। ऑलराइट गाइस अभी ना फिलहाल मैं पूरे के पूरे 10 कर चुका हूँ, बस मैं कहां पे एक और, वेट मैं लगा क्यों नहीं पा रहा था, हाँ मेरे को यहाँ पे एक और लगाना था। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मैं खुला कर देता हूँ। अब मेरे को इन सबको ना कनेक्ट कर देना है क्योंकि हम ब्लेज रॉड को बांध के रखेंगे, मतलब हम एक चेम्बर में रखेंगे और हम उसके ऊपर लावा डाल देंगे, तब उसके लिए एक ट्रैप बन जाएगा, फिर वो मर जाएगी और हमारे को जो ब्लेज है वो चेस्ट में दे देगी। और चेस्ट में लाया हूं पर वो शल्कर बॉक्स में है अभी। ओके हमारी फर्स्ट लेन कनेक्ट हो गई, अब मेरे को सेकंड लेन को भी मेरे को ऐसे करके कनेक्ट कर देना है। ऑलराइट गाइस अभी ना फिलहाल पूरा का पूरा फिल होने वाला है, लेट्स गो। और मैं ये सारे ब्लॉक्स में तोड़ देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे ग्लास लगाने हैं। मेरे को इसको पूरा मतलब ना ग्लास से फिल कर देना है, मतलब साइड से भी, इसके लेंथ से भी और ऊपर से भी। ओके तो फिर पूरे में ग्लास लगाना हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि ग्लास की हमारे पास कोई कमी नहीं भाई। ओके तो मेरा ऊपर वाला पूरा का पूरा हो चुका है, अब मेरे को साइड में जाना है। वेट मैं यहाँ से चले आऊंगा ना, हाँ यहाँ से चले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मेरे को यहाँ पे साइड साइड में भरना है, पहले एक बारी करता हूँ, ऐसे लेके चलते हैं, ऐसे लेके जल्दी हो जाएगा। ओके अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे साइड वाला भी होने वाला है, पर वेट अब मैं यहाँ पर कैसे लगाऊंगा भाई, अब मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ और हम नीचे चलते हैं। तो अभी हमारा यहाँ का साइड का हो गया और हमारा ऊपर का हो गया। ओके गाइस अभी फिलहाल हमारा ग्लासेस का भी काम हो गया, बस एक बस ऊपर वाला रह गया है। और मेरे ग्लासेस अभी खत्म हो गए थे तो मैं फिर से गया था और फिर से लेके आया था मैं ग्लासेस। अब तो सबको ठीक है ना, यहाँ पे सारे ग्लासेस लगे हुए हैं। ओके भाई बहुत
तोड़ा दिया भाई इसने आज। छोड़ो गाइस अभी उस बात को छोड़ते हैं, पर हमारा ये ब्लेस का जो केस है वो बन चुका है। अब मेरे को इनका बस ना किलिंग एक मशीन बनानी है, तो सीधा चलते हैं वहां पे किलिंग मशीन में, मतलब एक अंडरग्राउंड एक किलिंग मशीन बनानी है बस मेरे को। वेट यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ठीक है। अब मैं यहाँ से मैं नीचे चले जाता हूँ डायरेक्ट, और वेट भाई मैं इतनी नीचे आ गया। हाँ तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लॉक्स हटा देने हैं, फिर मेरे को इनका प्रोसेस करना है किलिंग का। ऑलराइट गाइस, मैंने इसको थोड़ी बहुत अच्छी लुक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्यारी सी वॉल लगवा दी है, और यहाँ पे मैंने सीढ़ियाँ भी लगवा दी हैं, क्योंकि मेरे पास सीढ़ियाँ नहीं थी इसलिए मैंने प्यारी सी यहाँ पे सीढ़ियाँ लगवा दी। अब मेरे को एक शल्कर बॉक्स अपना चाहिए होगा, मेरे को बॉक्स लगा के बस जाना पड़ेगा वहाँ पे। ओके शल्कर बॉक्स लेके मैं आ गया। अब मेरे को यहाँ से चेस निकालनी है, और चेस का फेस होना चाहिए वेट यहाँ पर है ना ये, हाँ तो चेस का फेस होना चाहिए, या मेरे को एक और इन्हें टिक डाउन करना पड़ेगा। मैंने को ज्यादा ही बड़ी वॉल बना दी भाई। ओके यहाँ पे मैं ब्लॉक्स लगा देता हूँ ताकि लोगों को कुछ दिखे ना भाई कि ये खोखला अंदर से भाई मैं कैसी भाई मैं बातें करता हूँ। हाँ तो अब मेरे को यहाँ पे चेस लगानी है बिल्कुल वेट, हाँ यहाँ पे एक और यहाँ पे दो लेट्स। अरे भाई कनेक्ट ही नहीं हुई भाई, अलग ही सीनों में पास एक्स भी नहीं है। ओके लेट्स गो, यहाँ पे मैंने लगा दी चेस प्यारी सी। अब मेरे को लगाने हैं हॉपर, हॉपर भी मैं लाया था, 6 हॉपर लाया था तुम्हारा भाई। ओके अब हॉपर का फेस चेस की तरफ होना चाहिए, लेट्स गो। और ये वाला मैं कैसे लगाऊंगा, हाँ मैं ऐसे करके मैं लगा सकता हूँ। अब कोई हम चीज फेंक के देखते हैं भाई, लग जाएगा क्या? हाँ गया, आ रहा है गाइस, आ रहा है। एक ना चेक करने का तरीका हो जाता है भाई। अब मेरे को ग्लास मेरे को कुछ ना ऐसे तरीके से लगाने हैं ताकि ब्लेज रॉड मेरे ऊपर हमला ना कर सके। ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने चेस उधर की तरफ लगवा दिए, क्योंकि जब मैं आऊंगा तो मैं इधर से ब्लेज रॉड लेके चले जाऊंगा। और यहाँ पर भी वेट भाई मेरे से गलती क्यों हो जाती है यार, हाँ तो मैं यहाँ पर बस मैं पूरा फिल कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को लगाने हैं स्लैब्स। अब स्लैब्स के लिए मेरे को चाहिए स्टोन्स। अब मैं यहाँ पे स्लैब्स बना लेता हूँ, लेट्स गो। अब मेरे को शिफ्ट दबा के यहाँ पे स्लैब लगा देने हैं 1। पेट में को पहले पीछे वाले लगाने चाहिए थे भाई। ओके फाइनली हमारा स्लैब का भी काम हो गया। अब मेरे को यहाँ पे लगाने हैं ग्लासेस, और यहाँ पे मेरे को लगाने हैं ट्रैप डोर, क्योंकि ब्लेज हमारे ऊपर ना हमला ना कर पाए, इसलिए बस हम यहाँ से सामान वान उठाए और हम लोग निकल लें। अब बस मेरे को यहाँ पे स्टार्ट करना है, पर अगर मैं नॉर्मल पे कर दूंगा तो ये लोग स्पॉन होने स्टार्ट हो जाएंगे। पर मेरे को दोबारा से ऊपर जाना है, और मेरे को ऊपर की तरफ वाइन्स लगानी है, और फिर लावा बकेट का भी काम है, मेरे को एक और लावा ढूंढना पड़ेगा, फिर हमारा ब्लेज मतलब द अल्ट्रा जाइंट ब्लेज रॉड, मतलब ब्लेज भाई मैं क्या बोले जा रहा हूँ तुम लोग समझ गए ना, वेट मेरे को पहले सोचने दो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ मेरे को बोलना आ गया, तो हमारा अल्ट्रा जॉइंट ब्लेज फार्म तैयार हो गया। बस मेरे को यहाँ पे डालनी है वाइन्स और लावा, बस यहाँ पे डाल देता हूँ मैं वाइन्स, लेट्स गो। अब लावा कहाँ से ढूंढ के आऊंगा गाइस, मेरे को इसका ना कोऑर्डिनेट्स भी याद करने पड़ेंगे। ओके तो ऐसा करते हैं अपनी जरा बकेट उठा लेते हैं, और बस एक ही तो लावा चाहिए यार, जल्दी से बस लेके आते हैं भाई कुछ भी करके। ओ भाई लावा मिल गया, अरे वेट बकेट ही फेंक दी भाई अपनी में बहुत, हाँ बस अब ठीक है। ओके तो हमारा पोर्टल है वहां पे, जल्दी चलते हैं। अब गाइस मेरे को लग रहा था मेरे को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा लावा ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे को लावा मिल गया। अब जिस जिसको ये प्लेस पता है ना मेरे को कमेंट में जाके जरूर बताना, क्योंकि यहीं पे मैंने पहली बार मैं सोया था यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे एक बॉनफायर रख दी एक निशानी के लिए कि यहाँ पे पहली बार मैंने माइनक्राफ्ट खेली थी। ओके लेट्स गो। अब मेरे को सबसे पहले ना मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, और मेरे को वहां पे एक स्लैब लगाना है। अब वो जरूरी इसलिए है ताकि ब्लेज रॉड ऊपर की तरफ ना स्पॉन हो, मतलब वो ना ऊपर हो जाए ग्लास के, इसलिए अगर मैं यहाँ पे अगर ब्लेज मतलब ये लगा दूंगा ना स्लैब, तो ब्लेज जो है मैं इसको नाम ही नहीं ले पाता भाई, ब्लेज हाँ जो है ब्लेज है वो नीचे की तरफ स्पॉन होगी, और वो सीधा जब वो लावा है जब वो गिरेगी तो अल्टीमेटली वो फ्लो होके सीधा वो नीचे चली जाएगी, फिर उसे लीव्स अटका लेंगे और फिर उन्हें मैं मारूंगा तो मेरे को ब्लेज रॉड मिलेगी। ओके गाइस अभी फिलहाल है लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप में मैंने 2 ग्लास तोड़ लिए, क्योंकि मेरे को यहीं से जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अभी फेंकनी है लावा की बकेट, और लावा की बकेट मेरे को चारों तरफ फेंकनी है। सबसे आखिर में मैं वहां पे नहीं, सबसे आखिर में यहाँ पे फेंकता हूँ, फिर ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि यहीं से मैं निकल जाऊंगा ना। तो 3 लेट्स गो, फर्स्ट हो गई, सेकंड, वेट ये गलत हो गया, नहीं ये गलत हो गया, वो मैंने गलती से मैंने उधर कर दी थी, लीव्स जल गई भाई मेरी, शिट मेरे को उधर नहीं करना चाहिए था, क्यों करा भाई मैंने, अरे भुज्जा भाई अब उतना क्या हो गया भाई, भुज ही नहीं रहा भाई, अलग ही सीन है। तो मेरे को यहाँ पे डालना है, मैंने अलग डाल दिया था थोड़ा, फिर मेरे को डालना है यहाँ पे,
अब मेरे को डालना है यहाँ पे, अब बगलो भाई, बगलो 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 बगलो, अबे भाई गलत सीन भाई, गलत ही सीन है भाई। शुक्र है प्रोटेक्शन वेक्शन है, वरना तो भाई काम ही हो जाता आज। ओके फाइनली हमारा पूरा का पूरा बन चुका है ब्लेस पर। भाई मेरे को वाइंस लगानी है यार वहां पे, पर अब वाइंस लगाने के लिए मेरे पास अभी 6 ब्लॉक पड़े हैं, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत लीव्स वहां की जल गई थी, इसलिए मैं सबसे पहले मेरे को लीव्स लगानी है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है। ओके गाइस हम लोग चला के देखते हैं, अगर नहीं चला तो मेरे को वाइंस किसी भी तरह लगवानी पड़ेगी भाई। अभी मैं सीधा कर रहा हूं अपनी गेम सीधा हार्ड पे, वेट लेट्स गो। तुम्हारे भाई ने हार्ड पे कर दी और प्ले स्पॉन होने लग गए, लेट्स गो। अब नीचे जाओ भाई, नीचे जाओ, जल्दी से नीचे जाओ, लेट्स गो। फाइनली एक नीचे गई, मैं यहां से नीचे जाता हूं, और अब तुम्हारा वाइप पे ले गए ने। तुमने भाई बहुत परेशान करा भाई, जब मैं स्पीड रन जब मैं करता था, और लेट्स मैं मार क्यों नहीं पा रहा भाई मैंने, वेट मैं लग रहा है मेरे को ना ये सब तोड़ना पड़ेगा। हाँ बोलियो फालतू बोलियो, आ जाओ आओ भाई, अब भाई अब मरते रहेंगे भाई। ओ भाई ये मेरे को छू भी नहीं पाएंगे, और कितना दे दिया इन्होंने, 8 दे दिया गाइस, मतलब खाली 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने 8 दिया। अगर मैं 10 मिनट खड़ा रह गया तो मेरे को कम से कम 3 स्टैक तो मिल ही जाएंगे भाई साहब, मतलब कितने सारे ब्लेजर रॉड है भाई, मतलब कसम। और मान कर रहा तेरी भैंस के, तू कहां से आ गया, ये कहां से आया भाई। भाई ये बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं भाई, अगर मेरे पास, वेट भाई ये भी मारेगा, आजा आजा आजा, मेरे पास गोल्ड नहीं है क्या यार, गोल्डन इंगट है यार, गोल्ड है ही नहीं। अगर मेरे पास गोल्ड होते तो ये लोग मेरे को नहीं मारते, और जरा तुम लोग देख रहे हो भाई, ये देखो भाई, मतलब क्या चल रहा है ये, हेलो इतने सारे ब्लेजर रॉड हो भाई। ओके गाइज मैं नेदर को छोड़ के अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ, और ये रहा अपना वर्ल्ड। ओ भाई यहाँ पे हॉर्स वगैरह भी है भाई, मैंने बिल्कुल मतलब प्लेन बना दिया, जिसको आना है भाई आओ। और भाई यहाँ पर अगर मैं टिक गया ना, यहाँ पे 2 मिनट के अंदर अंदर मौत है, 2 मिनट के अंदर अंदर। और कितना अच्छा लग रहा है यार अपना वर्ल्ड, सचमुच में पहले कहाँ पर था और अब कहाँ पर आ गया। ओके अब देखते हैं जरा अपने पास आयरन कितना हो गया, और काफी ज्यादा आयरन हो गया। अभी एक और गोलम आया है, अभी मर के अभी चला जाएगा। ओके तो नीचे चलते हैं, पर नीचे जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे अपने पे लाइटर है यार, तब हम लोग, अभी ये कौन है भाई, हेलो तेरी भैंस की, मारो भाई, पेल दे, अबे पेलो भाई, हवाई हमला हो गया तेरी, कौन है ये, इधर तेरी भैंस की, इसका नाम ढूंढूंगा, इसका एफ से कोई नाम होता था, वेट मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। आप तेरी, अबे एक एक शॉट में जाए जा रहे हैं, बच्चे हैं भाई ये बच्चे, इधर मार दे वुल्फ, ये वैसे हवाई मतलब हवा वालों को कैसे मारेंगे यार ये भी। और भाई मेरी हेल्थ क्या हो रहा है भाई, अबे क्या हो रहा है भाई, 2 टाइम चला गया अपना, ये क्या हुआ भाई, क्या सीन हो रहा है, मैंने अपना लाइटर उतारा रखा था इसलिए मेरी इतनी जल्दी हेल्थ जा रही थी, बच गया भाई, मेरे को ठीक करना पड़ेगा, मैं कभी भी यहां से मैं मर सकता हूं। पर मेरा 2 टाइम खराब हो गया, पर उसकी कोई टेंशन की बात ही नहीं है, अपने पास है रेड फार्म, 2 मिनट में जाके ले सकता हूं भाई, 2 मिनट में। अगर तुम लोग को पता है, जो ये लोग जो आए थे हवाई हमला, मतलब ये जो ऊपर से आए थे मेरे ऊपर जो हमला करके गए, अगर तुम्हें पता है मेरे को कमेंट में जाके जरूर बताना। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं अगर तुम्हें ब्लेज रॉड की वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में जाके जरूर बताना। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करता, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।